अस्सलाम वालेकुम। कामयाब बीवी बनने के लिए 10 नसीहतें। एक समझदार माँ ने अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त कुछ मुफीद नसीहतें की। रुखसत होने वाली बेटी के नए घर को अमन का गहवारा बना सकती है। नंबर एक, अपने शौहर के साथ कनात और सादगी से ज़िंदगी गुजारना, उसकी बात गौर से सुनना और अतात करना, क्योंकि कनात में दिल को राहत पहुँचती है और अतात व फर्माबरदारी में खाविंद खुश रहता है। नंबर दो, कोशिश करना कि तुमसे खाविंद की मर्ज़ी के खिलाफ कोई बात ना हो, और अगर गलती से हो भी जाए तो गलती की माफ़ी मांगने की भरपूर कोशिश करना। नंबर तीन, खूब बनाओ सिंगार करना मगर सिर्फ़ अपने खाविंद के लिए। तुम्हारा खाविंद तुम्हें साफ सुथरे और महकते लिबास में मलबूज देखे। नंबर चार, उसके खाने के वक्त का ख्याल रखना, सोने के बाद भी उसके आराम का ख्याल रखना, क्योंकि भूख की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त होती है और नींद से अचानक जगाना गुस्से का सबब बनता है। नंबर पाँच, हमेशा उसकी माल की हिफाजत करना, यानी उसको अपना माल समझना और उसे सही तरह खर्च करना, फजूल खर्ची से बचे रहना। नंबर छः, इसके रिश्तेदारों और ख़ानदान का लिहाज करना। नंबर सात, इसके राजों को जाहिर ना करना, यानी घर की बात को घर तक रखना, बाहर किसी गैर से मत करना, ये बात तुम दोनों में जुदाई का सबब बन सकती है। नंबर आठ, इसके हुक्म की नाफरमानी ना करना। नंबर नौ, तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि ये तमाम चीज़ें तुम अपने खाविंद से इस वक्त तक हासिल ना कर सकोगी जब तक के तमाम मामलात में अपने खाविंद की ख्वाहिश और रज़ा को अपनी मर्ज़ी पर तरजीह ना दो। नंबर दस, इस घर को हमेशा अपना घर समझना, उसके माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह समझना, ताकि अजनबियत जल्द अज जल्द मानूसियत में बदल जाए। अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब को अच्छा करे, आमीन। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।